नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उदिता त्यागी है और मैं विभिन्न सेवा संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ। वर्तमान में मैं SGVN भारत सरकार का जो उपक्रम है PSU, उसमें स्वतंत्र निदेशक भी हूँ। आज मेरा विद्या नॉलेज पार्क में दौरा रहा और ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो पहले भी मैं विद्या नॉलेज पार्क में कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज का दौरा मैं कहूँगी कि बहुत ही उत्साहवर्धक रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में हम लोग MSME का एक बड़ा क्लस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ आज मेरी यहाँ डायरेक्टर साहिबा से और सबसे बात हुई। तो हर साल हम लोग 5 बच्चे विद्या नॉलेज पार्क के रिक्रूट करेंगे उस क्लस्टर में। वो भारत सरकार का MSME द्वारा संचालित क्लस्टर है, जिसमें पहली बार 1000 महिलाएं एक छत के नीचे काम करेंगी। तो मुझे लगता है कि देश के लिए, खादी के लिए जो हम लोग इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं कॉलेज के, स्कूल्स के, वो जब तक इसको नहीं समझेंगे, हम इसको देश विदेश में वो पहचान नहीं दिला सकते जो इसकी वास्तव में ड्यू है, जो इसको मिलनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है, बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही कहना चाहिए ऊर्जावान थे। लेकिन ये ऊर्जा सत्र के अंत तक बनी रहे, और जैसे मैं उनको कह के आई कि आप लोग अपनी सोच पे ख्याल रखिए कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सोच से बड़ी नहीं है। तो मेरा आप सारे ही विद्या नॉलेज पार्क के बच्चों से बिल्कुल आग्रह है कि सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, कंसंट्रेटेड फोकस्ड अप्रोच रखो। जर्नलिज्म में मेरी मुलाकात ममता मैम अविनाश सर से हुई और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे आज जानकर ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ना सिर्फ अलग अलग विधाओं में बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि जितने भी न्यूज़ चैनल आज चल रहे हैं, जिस प्रकार से आज बच्ची एंकरिंग कर रही थी, वो कहीं भी कमतर थी उनसे किसी भी तरह से जो बड़े न्यूज़ चैनल एंकर हैं। तो आज इस बाइट के माध्यम से मैं ये भी साझा करना चाहूँगी कि हमसे और मेरे से जुड़ी जितनी भी संस्थाएँ हैं, हम किसी न किसी रूप से इन बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, इन बच्चों को संस्थाओं के साथ काम करने का मौका देंगे। और मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, जब बच्चे उनके साथ काम करेंगे, सीखेंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने पे भी ज़रूर ध्यान दो। और जो मेरा विश्वास है, जैसा आप लोगों का डायरेक्टर्स हैं, HODs हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे लोग मिलकर उनको ना सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करेंगे। धन्यवाद।